वेलकम टू टेस्ट फ्लिपकार्ट. टुडे वी आर एट जेई मेन एग्जाम सेंटर इन एनसीआर टू कैप्चर द लाइव रिएक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर अटेम्प्टिंग फॉर द जेई एग्जामिनेशन. आपका नाम क्या? अनीशा. वैभव. जानवी. मेहुल. प्रियांशी. पहला जेई अटेम्प्ट है आपका? नहीं, सेकेंड. नहीं, दूसरा है जी. पहला अटेम्प्ट है. सेकेंड. नहीं, सेशन टू फर्स्ट अटेम्प्ट है सर. पहला अटेम्प्ट है जेई में? हाँ जी. नहीं, मेरा ड्रॉप अटेम्प्ट है. ओके. सो आपको पेपर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या टफ लगा पेपर में आपको? पेपर मैथ्स ज्यादा डिफिकल्ट. अच्छा, तो कितना परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हो आप अभी? अभी तो 70, 60 या 70. तो माइंड में कोई ड्रीम कॉलेज है एडमिशन के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब जो ऐसा. तो आप मतलब हमारे व्यूअर्स को प्रेपरेशन की क्या टिप दोगे जेई के लिए? मैंने तो सेल्फ स्टडी से दिया है, तो आई विल से कि सेल्फ स्टडी करो एंड यू कैन. थैंक यू. ओके. सो आपको पेपर में मतलब क्या टफ लगा इस पेपर में आपको जो हुआ है अभी? इसमें मैथ्स थोड़ी लेंदी थी वैसे. अच्छा. और फिजिक्स आसान थी, केमिस्ट्री मॉडरेट ही थी. तो कितना परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हो आप अभी? मैं 95 के अब सोच रहा हूँ. तो कोई प्रिपरेशन की टिप्स होगी आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहोगे? यही है कि मैथ थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करे और बाकी सब्जेक्ट में एनसीईआरटी ठीक रहे. तो कैसा गया पेपर, मतलब क्या टफ था? अच्छा था, मॉडरेट पेपर था. बस ऑर्गेनिक में थोड़ा हार्ड था, बाकी मॉडरेट पेपर था. अच्छा. तो पेपर. क्या परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? 95 के आसपास. 95. 96. अच्छा. तो हमारे व्यूअर्स को आप क्या प्रिपरेशन की टिप देना चाहोगे? बस जो है फिजिक्स पढ़ो, जो भी फॉर्मूला बेस्ड है, और केमिस्ट्री पढ़ लो, ऑर्गेनिक में जो भी है सारे रिएक्शन से याद कर लो, प्रोडक्ट कैसे बनता है वगैरह वगैरह, बस हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू. तो आप पेपर में आपको क्या टफ लगा, कैसा गया आपका पेपर? मतलब मैथ्स अच्छी थी, मैथ्स लेंदी थी, बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स में भी कुछ कुछ अच्छे सवाल थे, बाकी ओवरऑल वैसे मतलब थोड़ा इजियर पे था, मतलब मॉडरेट कह सकते हो. कितना परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हो आप इस बार? मतलब मैंने जितना सोचा था उससे तो बहुत ही बेकार गए, तो देखो मतलब कुछ आइडिया नहीं लगता परसेंटाइल का. तो कोई कॉलेज है आपके, मतलब कोई आपने चूज किया हो कि इसी में मतलब एडमिशन? हाँ, मतलब अगर वैसे मेरा टारगेट है IIIT हैदराबाद, मतलब IIT के बाद, तो उसके लिए 99.9 चाहिए, जो कि मुझे लगता नहीं मेरी आएगी. तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या प्रिपरेशन की टिप्स दोगे? बेसिकली डेली क्लास वर्क करो, जो टाइम पे दिया जाए उसे उसी दिन करो, और सही टीचर्स को पकड़ लो, और बस उनको ब्लाइंडली फॉलो करो, पर कंसिस्टेंसी सबसे फर्स्ट है. ओके ओके. सो कैसा गया आपका पेपर, मतलब क्या टफ था पेपर में आपको लगा? मैथ्स तो आई ओवरऑल टफ रही है, वो तो बोलने की जरूरत नहीं, और मतलब पिछली बार से हर उस एस्पेक्ट में थोड़ा थोड़ा बेहतर ही है NTA की, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वाइज हो गया शिफ्ट्स में, या फिर टफनेस हो गई तो ठीक लग रहा है, बाकी आइडिया नहीं. अभी तो पहला ही दिन था ऐसा, स्टार्ट हुए भी सेशन का, तो पहला पेपर कैसा रहा वगैरह, पर बेटर था, मतलब सब कुछ अच्छा लगा. तो आपने कोई कॉलेज मतलब चूज किया है? नहीं नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो जस्ट बोर्ड्स खत्म हुए, तो ऐसा अभी कहाँ बोर्ड आ गया. कितना परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हो आप अभी? वो तो NTA ने जैसे रिजल्ट दिए, मैं NTA खुद नहीं बता सकता अभी. अच्छा. तो आप मतलब हमारे व्यूअर्स को क्या प्रिपरेशन की टिप्स दोगे जेई एग्जामिनेशन के लिए? मैंने देखा NCERT से केमिस्ट्री की 4-5 क्वेश्चन लाइन टू लाइन, वो इम्पोर्टेंट बढ़िया थे, मतलब 4-5 क्वेश्चन परसेंटाइल बहुत सही और बहुत बेकार कर सकते हैं, तो हर किसी को एक बार ये NCERT तो पढ़ लेनी चाहिए अच्छे से ऐसा लाइन से. अच्छा, ठीक है, थैंक यू. तो कैसा गया आपका पेपर, आपको क्या लगा टफ पेपर में? फिजिक्स केमिस्ट्री तो ठीक थे, मतलब इजी साइड पे थे, और मैथ्स थोड़ा सा था. तो आप मतलब कितना परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी? अभी तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते, बट अभी डिसेंट परसेंटाइल 90+ शायद आ जाए. कोई कॉलेज आपने कोई हो कि मतलब इसी में एडमिशन लेना है? NIT कुरुक्षेत्र. तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या प्रिपरेशन की टिप्स दोगे? कंसिस्टेंसी इज द की सबसे पहले तो, और उसके अलावा कहता आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, सो जो है नोट्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो बस. ठीक है, थैंक यू. सो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा पेपर में, क्या टफ लगा? ये अच्छा पेपर था, फिजिक्स केमिस्ट्री इजी था, मैथ्स हमेशा की तरह ही टफ ही था, फिजिक्स केम बहुत इजी था, फिजिक्स फॉर्मूला बेस्ड था पूरा. तो कितना परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हो आप अभी? एक्सपेक्टेशंस तो देखो, पिछली बार मेरा 98 पॉइंट था, 98.23, तो इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 99 तक तो आना चाहिए. अच्छा. तो कोई कॉलेज है मतलब माइंड में कि यही ड्रीम कॉलेज है, इसी में एडमिशन चाहिए?
ड्रीम तो देखिए आईआईटी है, पर अगर आईआईटी दिल्ली में नहीं होता तो फिर मैंने डीटीयू बैकअप रखा हुआ है, डीटीयू एंड एनएसयूटी में। तो आप हमारे व्यूअर्स को प्रिपरेशन की क्या टिप दोगे जेईई के एग्जामिनेशन के लिए? मतलब अगर थ्योरी अगर आपको आती है एक बार तो आप वन शॉट देखो, रिवीजन के लिए बार बार लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, वन शॉट देखो, पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा लगाओ, सेम रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं पीवाईक्यू के। थैंक यू। ओके, सो क्या कैसा रहा पेपर, मतलब क्या टफ लगा आपको पेपर में? पेपर में मैथ्स लाइक बहुत टफ आया था, लेंदी भी था, और मैथ्स के लिए लाइक टाइम नहीं मिला, बहुत टफ पेपर था मैथ्स। अच्छा, सो कितना परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हो आप अभी? अभी मतलब डिसाइड नहीं किया? नहीं, लेकिन पेपर इजी नहीं लगा, मैथ्स ज्यादा मुश्किल था, बाकी सब तो जब भी ठीक था। तो कोई कॉलेज है माइंड में ड्रीम कॉलेज की, इसी में एडमिशन चाहिए? आईआईटी बॉम्बे। ओके, सो आप हमारे व्यूअर्स को क्या प्रिपरेशन के टिप्स दोगे एग्जाम के लिए? लाइक अपनी एनसीईआरटी कम्प्लीट करो, और थोड़े चैप्टर से लाइक ग्रेविटेशन वगैरह, ग्रेविटेशन और सीओएम, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कोनिक सेक्शन, तो ये लाइक स्पेशली प्रिपेयर करके जाओ, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, थैंक यू।